Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू testbook.com. आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिटर और वेल्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बट वो देखो, इसमें मैंने मार्क कर रखा है बच्चों. जैसे कि मैं पहले भी आपको बताती आई हूँ कि जो हमारा जो इससे पहले वाला वीडियो था वो था मेजरिंग एंड मार्किंग टूल, ठीक है. तो बच्चे उसमें कमेंट करते थे कि मैम RAC के लिए भी वीडियो कीजिए, टर्नर के लिए भी वीडियो कीजिए. तो अभी जो हम ऐसे टॉपिक्स उठा रहे हैं जो कि मोस्ट ऑफ दी ब्रांचेस के लिए जो है, ट्रेड्स के लिए जो है वो कॉमन है, ठीक है. तो लीनियर मेजरमेंट और जो मार्किंग मीडिया या टूल्स हैं वो सभी ट्रेड्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. उसमें से क्वेश्चन हर एक ट्रेड में पूछा जाता है. तो जो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ वेल्डिंग, वो फिटर, वेल्डर, RAC, टर्नर, हीट इंजन, मैकेनिकल डीजल और मैकेनिक ट्रैक्टर, इनमें जो है सेकंड सेमेस्टर में इनका कुछ कुछ पोर्शन जो है वेल्डिंग का है, ठीक है. तो आज हम जो हमारा टॉपिक होगा वो वेल्डिंग का बेसिक होगा. बच्चों देखो, गैस वेल्डिंग, टिग, मिग या जो ऑक्सीएसिटाइलिंग वेल्डिंग होगी, इन सब का प्रोसेस और प्रिंसिपल पढ़ने के चक्कर में ना कहीं हम लोग जो है उसका बेसिक्स भूल जाते हैं. और उसी बेसिक्स के पे बेस्ड जो है एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हमसे छूट जाता है. बेशक हम वेल्डिंग, अब देखो वेल्डिंग तो सबने की होगी, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर है चाहे वो सिविल इंजीनियर है, वो उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर में वेल्डिंग का एक पोर्शन तो रहता है. और ट्रेड्स में भी आप लोगों ने कर ही रखा है. तो आज हम उस वेल्डिंग को रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि किस किस तरीके से उस वेल्डिंग के जो बेसिक फंडामेंटल्स है उस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज वेल्डिंग, वेल्डिंग क्या है. तो वेल्डिंग इज अ मेटल ज्वाइनिंग मेथड, ठीक है. सबसे पहले आपको क्या मार्क करना है कि मेटल ज्वाइनिंग मेथड है. इसको याद करने की जरूरत नहीं, आपको पता ही कि आप जो है दो वर्क पीस होता था उसको आप जो है डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन में जो है ज्वाइन करते थे, ठीक है. इन विच ज्वाइनिंग एजेज आर हीटेड, और कैसे आप जो है ज्वाइन करते थे एज को हीट करके और फिर उनको आपस में फ्यूज करके, ठीक है. ये देखो ये वेल्डिंग कर रहा है यहाँ पे. ये देखो हेलमेट लगा के आप भी वेल्डिंग करते थे, आर्क प्रोड्यूस होती थी, फिर आप डर जाते थे स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते करते आप एक परफेक्ट वेल्डर बन जाते थे. तो यहां पे देखो ये वेल्डिंग कर रहा है, ये आपका जो है ये वर्क पीस है, ठीक है. तो अ गुड वेल्ड ज्वाइन इज एज स्ट्रॉन्ग एज पेरेंट मेटल. बच्चों वेल्डिंग की यही खासियत है, बाकी सब अगर हमारे जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होते हैं ना, तो जो उसमें जो ज्वाइंट है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि हमारा बेस मेटल है, पेरेंट मेटल है. बट जो वेल्डिंग में जो वेल्ड ज्वाइंट है ना वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है जितना कि जिसको कि आप वेल्ड कर रहे हो, मतलब कि पेरेंट मेटल. तो अब वेल्डिंग की डेफिनेशन को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं. वेल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल, ठीक है. मतलब मेटल का मटेरियल सेम भी हो सकता है, अलग अलग जो मटेरियल के मेटल्स हो सकते हैं. किसके द्वारा, फ्यूजन के द्वारा, विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर. हम उनको जो है प्रेशर अप्लाई करके भी जो है वेल्ड करते हैं, या विदाउट प्रेशर भी वो फिलर मेटल के मेल्ट हो जाने से भी वेल्ड हो जाता है. विद और विदाउट द यूज ऑफ फिलर मेटल, ठीक है, समझे. तो क्या है, दबाव का प्रयोग करके या उसके बिना, फिलर धातु के उपयोग के साथ या उसके बिना, दो समान या भिन्न धातुओं को संलयन के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वेल्डन कहा जाता है. द फ्यूजन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस बाय मीन ऑफ हीट, ठीक है. फ्यूजन होता है तो उसका जो मीन क्या है, किसके द्वारा फ्यूजन होता है, वो हीट के द्वारा होता है, ऊष्मा के माध्यम से होता है, ठीक है. द हीट में भी, अब देखो बच्चों ये तो आपको पता है कि आप वेल्डिंग करोगे तो जो है फ्यूजन मेथड से करोगे. जो फ्यूजन के लिए आपको हीट चाहिए तो हीट कहाँ से होगी, प्रोड्यूस होगी उसके डिफरेंट डिफरेंट जो है मीडियम से. कैसे, वो हीट जो है इलेक्ट्रिक आर्क भी हो सकती है, विद्युत हो सकती है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के द्वारा, केमिकल रेजिस्टेंस के द्वारा, फ्रिक्शन और रेडिएंट एनर्जी. तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है मोड्स हैं जिनके द्वारा आपको जो है हीट मिलती है और जिससे कि आप फ्यूजन के से आप जो है वेल्ड करते हैं. अब देखो बच्चों वेल्डिंग का तो हमने बेसिक की वेल्डिंग है क्या और उसका जो हमने डेफिनेशन कर लिया कि कैसे कैसे आप वेल्डिंग करते हैं. अब वेल्डिंग आपको ये समझ में आ गया कि जो अपना वेल्डिंग है वो क्या है, ज्वाइनिंग प्रोसेस है, ठीक है. अब ज्वाइनिंग जो प्रोसेस है, जो ज्वाइंट है अपना, वो दो टाइप्स के ज्वाइंट होते हैं, ध्यान रखना बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक होता है परमानेंट ज्वाइंट और एक होता है टेम्प्रेरी ज्वाइंट, ठीक है. अब देखो ज्वाइनिंग टू और मोर कंपोनेंट इज इनडिसिप्लिनरी नेसेसरी फॉर असेंबली पर्पज, और ज्वाइनिंग कैन बी परमानेंट और टेम्प्रेरी, स्थायी जोड़ भी हो सकते हैं और अस्थाई जोड़ भी हो सकते हैं. अब इस डायग्राम को देखो, देखो ये आपको कुछ नट बोल्ट्स फास्टनर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. अगर आपने मान लो ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है,
और इसको आपको ज्वाइंट करना है और आपने ये फास्टनर के थ्रू ज्वाइंट कर दिया, तो अगर आपको इसको डिसेंबल करना है तो आप क्या करोगे कि इस फास्टनर को हटाओगे और ये दोनों जो वर्क पीस है वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वेल्डिंग कर रहा है, ये आपका एक वर्क पीस है, ये आपका दूसरा वर्क पीस है, सिमिलरली ये एक वर्क पीस, ये सेकेंड वर्क पीस। अब उसको जो ज्वाइंट किया है ये वेल्डिंग के थ्रू किया है, ठीक है, तो अब इसको आप इजिली नहीं हटा सकते, ये परमानेंट ज्वाइंट हो गया। तो ध्यान रखो दो अपने ज्वाइंट के जो टाइप्स हो गए, एक हो गया टेम्परेरी ज्वाइंट और एक हो गया परमानेंट ज्वाइंट। अब इनको जरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, टेम्परेरी ज्वाइंट और परमानेंट ज्वाइंट पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको इनका क्या याद रखना है कि इनमें डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा कि टेम्परेरी ज्वाइंट में जो आपका जो मेटल है वो इजिली डिसमेंटल हो जाता है, डिसेंबल हो जाता है, ठीक है, और परमानेंट ज्वाइंट में आप का ये अलाउ नहीं करता कि वो आसानी से डिसेंबल हो पाए। टेम्परेरी ज्वाइंट जो है लीक प्रूफ नहीं होते, लीकेज के चांसेस होते हैं, जैसे अपने प्रेशर वेशर्स होते हैं ना, तो उसमें हम ज्यादातर जो है वेल्डिंग प्रेफर करते हैं, और ये जो है जो परमानेंट ज्वाइंट है वो लीक प्रूफ होते हैं। थर्ड, जो टेम्परेरी ज्वाइंट में जो स्ट्रेंथ होता है ज्वाइंट का वो कम होता है, और अभी हमने डिस्कस किया कि जो वेल्ड ज्वाइंट है सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो ये जो है ज्वाइंट स्ट्रेंथ इज सेम एज दैट ऑफ द कंपोनेंट जिसको कि आप ज्वाइंट कर रहे हो। फिर टेम्परेरी ज्वाइंट्स आर सुटेबल वेयर फ्रीक्वेंट सेपरेशन, बताया, क्योंकि इसे आप आसानी से डिसेंबल कर लेते हो, तो ये यहाँ यूज किया जाता है जहाँ आपको दोनों वर्क पीस को बहुत जल्दी जल्दी डिसेंबल करने की जरूरत है, और ये वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे उनको सेपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब आप जो आपके टेम्परेरी ज्वाइंट्स कौन से हो गए, ये फास्टनर्स जैसे कि नट बोल्ट एंड स्क्रूज हो गए, क्वार्टर ज्वाइंट, नकल ज्वाइंट, ये सारे आपके जो हो गए वो क्या हो गए, टेम्परेरी ज्वाइंट्स। और परमानेंट ज्वाइंट्स क्या हो गए, वेल्डिंग, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग को भी हम परमानेंट ज्वाइंट कंसीडर करते हैं, और रिविटिंग, ये सारे आपके जो हो गए वो हो गए परमानेंट ज्वाइंट। तो इन पे बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो डिस्कस कर लेते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन, वेल्डिंग इज पूछा गया है, वेल्डिंग क्या है। ऑप्शन नंबर वन, टेम्परेरी ज्वाइंट है, परमानेंट ज्वाइंट है, या वेल्डिंग टेम्परेरी एज वेल एज परमानेंट हो सकता है, या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है कि वेल्डिंग जो है अपना परमानेंट ज्वाइंट है। सिमिलरली वो रिविटिंग के बारे में भी पूछ सकता है, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग के बारे में कि इसमें से कौन सा, या ये भी पूछ सकता है कि इन चारों जो ज्वाइंट मेथड में से कौन सा ज्वाइंट परमानेंट ज्वाइंट है या कौन सा ज्वाइंट टेम्परेरी ज्वाइंट है। तो इस कंसेप्ट के बेस पे आपसे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखो बच्चों, ज्वाइंट के हमने दो पढ़ लिए कि या तो ज्वाइंट आपका टेम्परेरी हो सकता है या परमानेंट हो सकता है। अब जो हमारा वेल्डिंग एक जो कि ज्वाइंट मेथड है या अदर ज्वाइनिंग प्रोसेस हो गए, उसके जो है मटेरियल के बेस पे उसके जो है तीन क्लासिफिकेशन है, वो कैसे हैं, ऑर्टोजेनस वेल्डिंग, ठीक है, एक होमोजेनस वेल्डिंग और हेट्रोजेनस वेल्डिंग। इस पे बेस्ड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जो आपका ऑर्टोजेनस वेल्डिंग है। अब देखो ये वाला वर्क पीस अगर आप देखोगे तो इसमें देखो आपका ये एक वर्क पीस है, ये एक वर्क पीस है, ठीक है, आपका ये टॉर्च है जहां से आपको हीट मिल रही है, आप फ्यूजन कर रहे हो, वेल्डिंग कर रहे हो, ये आपका फिलर रोड है जो कि आपने यूज कर रखा है, ये मेल्ट होता है और वहां पे वेल्ड हो जाता है, दोनों ज्वाइन हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस आपको अच्छे से क्लियर है। अब इसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हम इनका जो है क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये जो आपका ऑटोजेनस वेल्डिंग है इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग, तीनों ज्वाइनिंग प्रोसेस है, ध्यान क्या रखना है, एक तो ये सिमिलर मेटल्स हैं, जो दोनों वर्कपीस जिनको कि आप जोड़ रहे हो वो दोनों सेम मेटल्स हैं, मेल्टिंग द एजेस टुगेदर विदाउट द एडिशन ऑफ फिलर मेटल, ये ध्यान रखना है, ठीक है, फिलर मेटल के एडिशन के बगैर धातु के किनारों को एक साथ पिघलाकर फिलर धातु को मिलाए बिना समान धातु को जोड़ने की प्रक्रिया, इसको क्या बोलते हैं, ऑटोजेनस वेल्डिंग। ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखोगे, सेम मेटल जो आपका मेटल होगा वो सेम होगा और फिलर मेटल नहीं होगा। दूसरा जो आपका वेल्डिंग है वो है होमोजेनस, इसमें आपको क्या रखना है कि मेटल्स जो जोड़ रहे हो ना वो तो सेम मेटल होगा, बट इसमें आप फिलर रोड का यूज करोगे और जो फिलर रोड का जो मेटल होगा ना वो वही होगा जो कि आपका बेस मेटल होगा, फिलर रोड ऑफ सेम मेटल, ठीक है, ये आपका हो गया होमोजेनस। नाम से भी पता है आप होमोजेनस मिक्सर हेट्रोजेनस मिक्सर पढ़ते हो तो वहां से भी आप इसको लिंक कर सकते हो। फिर आपका जो थर्ड है वो क्या है, हेट्रोजेनस वेल्डिंग, ठीक है, इसमें क्या है, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन होंगे, तो वहां से प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग डिससिमिलर मेटल्स, ठीक है, यूजिंग फिलर रोड, फिलर छड़ की मदद से भिन्न धातुओं को जोड़ने की प्रक्रिया जो है उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस मिक्स जो है वेल्डिंग है। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, होमोजेनस वेल्डिंग। तो होमोजेनस याद करो क्या होगा कि एक तो आपका जो मेटल ज्वाइन हो रहा है वो सेम मेटल होगा
और जो आपका फिलर जो होगा वो भी किसका होगा, सेम मेटल का। तो आपका देखो द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग सिमिलर मेटल्स विदाउट एडिशन ऑफ फिलर मेटल्स, ये कौन सा हो गया, ऑटोजेनस। प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग सिमिलर मेटल विद द हेल्प ऑफ फिलर रोड ऑफ सेम मेटल, ये आपका हो गया होमोजेनस। और डिसिमिलर मेटल को ज्वाइन करने की प्रक्रिया को हेट्रोजेनस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। देखो बच्चों, वेल्डिंग क्या है, टेम्परेरी ज्वाइंट और परमानेंट ज्वाइंट क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस की, होमोजेनस ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, हेट्रोजेनस ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, इसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, अब देखो कोई मटेरियल मिल गया, आपने कास्टिंग किया, आपको एक प्रोडक्ट मिल गया। अब इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली तो आप यूज नहीं कर पाओगे, आपको उसमें जो है साइज एंड डायमेंशन के हिसाब से आपको कटिंग करनी पड़ेगी, फिनिशिंग करनी पड़ेगी। फिर मान लो कास्टिंग से आपको एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो मिला और आपको उससे जो है किसी अदर शेप का मेटल बनाना है, तो आप फोमिंग भी करोगे। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये काफी सारी प्रोसेसेस होती हैं जिनके थ्रू आपको जाना पड़ता है। तो उन प्रोसेस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड भी चांसेस है कि क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो आपके जो प्रोसेस है उसको 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। ये देखो, ये मेटल आया वर्कपीस, ठीक है, आपने ये आपके रोलर्स हो गए, इसके थ्रू आपने फोमिंग की और इसका जो है आपने साइज रिड्यूस कर दिया। तो ये क्या है, फोमिंग। अब इसमें ना तो आपने कोई मटेरियल जोड़ा और ना ही कोई मटेरियल आपने हटाया, इसमें क्या आपने किया, केवल शेप एंड साइज को चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये जो आपका फोमिंग हो गया, कास्टिंग हो गया, ये कौन सा प्रोसेस हो गया, जीरो प्रोसेस, कोई मटेरियल का एडिशन सब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ। दूसरा, जैसे कि ये देखो, ये मेटल बनाया, इसका शेप चेंज कर दिया, ये आपका कास्टिंग हो गया। जो आपका दूसरा हो गया, ये देखो मशीनिंग, ये ऐसा था उसका, ये देखो ये आपका ये कटिंग टूल है, कटिंग टूल की हेल्प से उसने मटेरियल को ये रिमूव कर दिया और मटेरियल रिमूव करके ये जो है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो इसमें आपका मटेरियल रिमूव हुआ, ठीक है। तो ये आपका कौन सा प्रोसेस हो गया, नेगेटिव प्रोसेस। तो मतलब मशीनिंग आपका कौन सा प्रोसेस है, नेगेटिव प्रोसेस। अब देखो आपके पास एक वर्क पीस ये वाला है और एक वर्क पीस ये वाला है, सिमिलरली एक वर्क पीस ये है और सेकंड वर्क पीस ये है, इन दोनों को आपको जोड़ना है, आपका फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा है। तो आप क्या करोगे, वेल्डिंग करोगे, ठीक है, ज्वाइनिंग करोगे या रिविटिंग करोगे। तो जितने भी ये ज्वाइनिंग प्रोसेस हो गए वो आपके क्या हो गए, पॉजिटिव प्रोसेस। तो इन्हीं का जो है डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जीरो प्रोसेस, जो कि आपका कास्टिंग और फॉर्मिंग है, आर कैटेगराइज्ड एज जीरो प्रोसेस एज दे इन्वॉल्व ओनली शिफ्टिंग ऑफ मेटल, ठीक है, क्योंकि इसमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उत्पाद के आवश्यक कद और आकार प्राप्त करने के लिए नियंत्रित रूप से धातु का स्थानांतरण होता है, कोई इसमें जो है हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करते, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं आपको, जीरो प्रोसेस। अब आपका सेकेंड प्रोसेस कौन सा है, नेगेटिव प्रोसेस, ठीक है, मतलब ऋणात्मक प्रक्रिया। तो इसमें क्या है, मशीनिंग इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज, क्योंकि अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम दी स्टॉक इज रिमूव्ड, ठीक है, तो इसीलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। थर्ड क्या है आपका, पॉजिटिव प्रोसेस, मतलब धनात्मक प्रक्रिया। तो क्या है, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग इट इज फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द सिंपल शेप कंपोनेंट टू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट, क्योंकि ज्वाइनिंग बहुत ही आवश्यक है, इसके बगैर आप डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो जो आपका ये जो ज्वाइनिंग है उसको हम कौन से आप बोल देते हैं, पॉजिटिव प्रोसेस। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, बेस्ड ऑन अप्रोच यूज फॉर ऑब्टेनिंग डिजायर्ड शेप एंड साइज बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग, दिस कैन बी टर्म्ड एज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो प्रोसेस। ये तो खाली आपको डेफिनेशन दी है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो क्या है, वेल्डिंग इज अ, तो वेल्डिंग क्या है, जीरो प्रोसेस है, नेगेटिव प्रोसेस है, पॉजिटिव प्रोसेस है, या इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो अभी बताया वेल्डिंग क्या है आपका, वेल्डिंग इज अ पॉजिटिव। अब बच्चों हम वेल्डिंग के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड भी एक क्वेश्चन बनता है। जिन्होंने भी अपना जो फिटर ट्रेड के जो भी बच्चे हैं जो कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि आपके जो एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन इसके भी बेस्ड बनता है। तो एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं कि वेल्डिंग का जो अदर ज्वाइनिंग मेथड्स हैं उनसे क्या कंपैरिजन है, क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे पहले एडवांटेजेस की तरफ जाएंगे, तो वो क्या है कि वेल्डिंग जो है अपना मच फास्टर प्रोसेस है। सेकेंड एडवांटेजेस क्या है कि जो वेल्डिंग है वो लाइटर प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि अगर आप रिविटेड स्ट्रक्चर करोगे तो आपको हो सकता है कि ये जो दो प्लेट्स हैं, ये एक प्लेट हो गई आपकी और ये जो है आपकी
सेकेंड प्लेट हो गई। इन दोनों को जोड़ने के लिए मे बी आपको एल प्लेट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट हो, और आप फिर जब यहाँ पर रिविटिंग करेंगे तो आपका एक मेटल जुड़ जाता है, तो मेटल जो है थोड़ा सा हैवियर हो जाता है, तो हम जो है वेल्डिंग को थोड़ा सा लाइटर मानते हैं कि लाइट जो है इसका वेट लाइटर रहता है। थर्ड क्या है कि ये चीप है, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ क्या है कि ये मोर कोरोजन रेजिस्टेंस है अगर हम इनको रिवेट से कंपेयर करें। उसके बाद जो सबसे मेन जो इसका एडवांटेजेस है वो क्या है कि वेल्डिंग के थ्रू आपको जो है टाइट जॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि टेम्परेरी जॉइंट्स करोगे तो उसमें लीकेज के चांसेस होते हैं। फिर वेल्डेड के थ्रू जो है ये आपका लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और फिर उसके बाद जो मेन एडवांटेजेस है वो क्या है कि वेल्ड जॉइंट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर और प्रेशर। क्यों? क्योंकि जो आपका जो मटेरियल है वेल्ड जॉइंट है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है जितना कि आपका बेस मेटल है, तो इससे क्या होगा कि ये आपका जो है हाई टेम्परेचर और प्रेशर को बियर कर सकता है। अब बढ़ते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। वेल्डिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि देखो ये फ्यूजन के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो है आपके स्ट्रेस जो है प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं, तो इसमें रेजिडुअल स्ट्रेसेस आपके जो है मटीरियल के इनसाइड स्ट्रेसेस होते हैं, तो क्या चांसेस है कि वेल्डिंग रिजल्ट इन रेजिडुअल स्ट्रेसेस, वेल्डन के परिणाम स्वरूप अवशिष्ट तनाव पैदा हो सकता है जिसको हटाने के लिए आपको जो है स्ट्रेस रिलीफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करना पड़ता है। ये वेल्डिंग का एक जो है बड़ा डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद क्या है, चांसेस ये भी होते हैं कि आपको जो है हीट की वजह से मेटलर्जिकल चेंजेस भी आए, ठीक है। थर्ड क्या है जो कि आप लोगों ने फील किया भी होगा कि वेल्डिंग की वजह से हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं, फ्यूम्स निकलते हैं, जिनसे कि हमें जो प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। आपका जो फोर्थ लास्ट है वो क्या है कि गुड वेल्डिंग करने के लिए, मतलब आपने जो वेल्डिंग स्टार्ट की होगी तो आपको मतलब डिस्टेंस कितना रखना है आर्क प्रोड्यूस करने के लिए, उसके लिए भी बहुत टाइम लगा होगा, तो एक अच्छी वेल्डिंग करने के लिए, स्मूथ वेल्डिंग करने के लिए आपको एक स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी जाके एक परफेक्ट वेल्डिंग नहीं कर सकता। तो ये तो हो गए कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब इन पे बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या है। द एडवांटेजेस ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट ओवर रिविटेड ज्वाइंट, ठीक है, रिवेट के किए हुए जोड़ की तुलना में वेल्ड किए हुए जोड़ का क्या लाभ है, ये आपका क्वेश्चन है। तो हमने पढ़ा था कि रेजिडुअल स्ट्रेसेस जो उत्पन्न होते हैं ये इसका डिसएडवांटेजेस था। फिर इट रिक्वायर्स हाईली स्किल्ड लेबर, ये भी इसका डिसएडवांटेजेस है। इसको जो है स्ट्रेस रिलीफ हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, ये भी आपका एक डिसएडवांटेजेस हो गया। तो आपका एडवांटेजेस क्या हो गया कि जो वेल्डेड ज्वाइंट है वो लाइटर इन वेट होता है। तो इस तरीके से आपसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो बच्चों, वेल्डिंग क्या है, उसके डिफरेंट डिफरेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, और उन पे बेस्ड किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे ये डिस्कस कर लिया। अब जल्दी से एक बहुत ही बेसिक है, क्योंकि अगर ये नहीं पता तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो वेल्डिंग के डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन के बेस पे कि आप दो वर्कपीस आपको जोड़ना है तो आप उसको ऐसे रख रहे हो या एक के ऊपर एक रख रहे हो, कैसे रख रहे हो, उस पे बेस्ड किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना है बट जॉइंट, ये बहुत यूज होता है, ठीक है। बट जॉइंट ये देखो, आपका प्लेट वन है ये, प्लेट टू है ये, ठीक है। इन दोनों में अगर ध्यान देखो तो इनके किनारे मिल रहे हैं, ठीक है, एक किनारे इसका ये हो गया, एक किनारे ये हो गया। तो इनको अगर आपको दो प्लेट ऐसे हैं, ठीक है, इनको अगर आपको जोड़ना है तो आपका जो जॉइंट होगा वो कौन सा होगा, बट जॉइंट एंड सरफेसिस और एजिस मेंबर। आप किसका वेल्डिंग कर रहे हो, एंड सरफेसेस का या दोनों के एजेस का कर रहे हो, ठीक है। जो सेकंड आपका जो है वो लैप जॉइंट है, जैसे मान लो एक वर्कपीस ये है, एक वर्कपीस ये है, इन दोनों को आप कैसे ज्वाइंट कर रहे हो, एक के ऊपर एक रख के, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ज्वाइंट होगा वो होगा लैप ज्वाइंट। इसमें देखो आपका पहला वर्क मटेरियल ये है, दूसरा ये है, तो आपने सरफेस के ऊपर जो आपका वेल्ड जा रहा है वो सरफेस के ऊपर, एक इधर गया और एक इधर गया, ये डबल जो इसने वेल्डिंग कर रखी है। तो इसमें कैसा है, द प्लेट्स आर टू बी जॉइंट आर ब्रॉट फेस टू फेस, दोनों प्लेटों को फेस टू फेस लाया गया है, ना कि एज टू एज, ठीक है। और फिर उनको हमने जो है वेल्ड किया है, एज ऑफ ईच पीस इज वेल्डेड टू द सरफेस टू ईच अदर। तो जो एक के एज का, देखो इसके एज का वेल्डिंग दूसरे के सरफेस पे जा रहा है, तो इस तरीके से जो इसकी पोजिशनिंग है। थर्ड आपका ज्वाइंट जो है वो क्या है, टी ज्वाइंट।
टी ज्वाइंट में आपका क्या होता है, ये देखो, ये एक मटेरियल है, ये दूसरा मटेरियल है, इसमें जो है कैसे है, ये एक वर्क पीस है और ये दूसरा वर्क पीस है, मतलब एक के सरफेस पे दूसरे का एज मिल रहा है, ये परपेंडिकुलर है, तो कैसे हो गया, टू सर्फेसिस आर अप्रोक्सीमेटली एट राइट एंगल, ठीक है, तो ये आपका हो गया टी ज्वाइंट, टी की शेप में बन रहा है। जो आपका फोर्थ ज्वाइंट है वो क्या है, कॉर्नर ज्वाइंट, ठीक है, कॉर्नर ज्वाइंट में क्या होगा कि नाम से सजेस्टेड है, कोने मिल रहे हैं, जैसे ये प्लेट हो गया और दूसरा ये वाला प्लेट, ऐसे एज टू एज कोना मिल रहा है आपका, तो टू सर्फेसिस आर अप्रोक्सीमेटली एट राइट एंगल, इसमें भी राइट एंगल पे होंगे, बट जो है वो एल की एक शेप बना रहे हैं, उनके कॉर्नर्स मिल रहे हैं, जैसे ये देखो, ये पहला वर्क पीस हो गया, ये सेकंड वर्क पीस हो गया और दोनों के कोने मिल रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने वेल्डिंग की है, ये आपका हो गया कॉर्नर ज्वाइंट। आपका जो फिफ्थ ज्वाइंट है वो क्या है, एज ज्वाइंट। एज ज्वाइंट का क्या है कि अ पार्ट ऑफ सरफेस रिमेन्स पैरेलल टू ईच अदर, जैसे कि मान लो आपका एक वर्क पीस ये है, एक वर्क पीस ये है, तो दोनों को आपको कैसे ज्वाइंट करना है, ऐसे दोनों के सर्फेसिस आपस में मैच हो रहे हैं, तो जो ये आपका ज्वाइंट हो गया, ये एज हो गया, ये देखो दोनों के सर्फेसिस मैच हो रहे हैं और यहाँ पे आपका वेल्डिंग हो गया, तो ये हो गया बच्चों डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके पोजिशन के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट ज्वाइंट्स के टाइप, इसको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन करोगे, इनमें से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट था अपना टेम्पररी ज्वाइंट और परमानेंट ज्वाइंट, और ये डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन, इनको आप नोट्स बना लोगे और हमेशा याद रखोगे। अब इन पे बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वेल्डेड ज्वाइंट्स मेड बाय प्लेसिंग प्लेट्स एज टू एज, देखो क्या है एज टू एज, मतलब कि इस प्लेट का एज यहाँ पे है, इस प्लेट का एज यहाँ पे है, एज टू एज ऐसे है, तो ऐसे वाला जो अपना पोजिशन हो गया वो क्या हो गया, बट वेल्ड, ठीक है, लैप में कैसा होता, ऐसा होता, ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया, बट ज्वाइंट, बट जोड़। तो बच्चों इससे पहले हमने जो है टॉपिक्स जो किए थे वो क्या थे, अपने मार्किंग और मेजरिंग टूल्स, जो हर एक जो ट्रेड्स में जरूर इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है। आज जो है हमने थोड़ा टूल से हट गए, क्योंकि बहुत ज्यादा टूल्स हो गए थे, तो चांसेस ये थे कि आप जो है मिसमैचिंग कर जाते, पजल हो जाते, तो थोड़ा सा टूल से ब्रेक दिया, वेल्डिंग की तरफ गए, जिससे कि वेल्डर, जिन्होंने वेल्डर ट्रेड चूज कर रखा है उसको भी जो है आसानी मिले, हेल्प मिले, और जो मैंने वीडियो के स्लाइड्स में बताया था कि मैकेनिक, डीजल, टर्नर, इन सब में भी वेल्डिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, तो ये आप सभी के लिए इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जो है वेल्डिंग से रिलेटेड या अपने ट्रेड से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस लगाने हैं, तो टेस्टबुक के साइट पे आप जा सकते हैं, वहां पे रेलवे के जो पार्ट बी है उसके लिए हम क्विजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस है उनका क्विज होता है, उनको लगाइए, अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया को एनालाइज कीजिए और अपनी रैंक जानिए कि आपकी जो है अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे प्रिपरेशन लेवल जो है आपका कितना है। अगर आपको बच्चों ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि अभी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है, शेयर करो, सभी मिलके ग्रुप में जो है वीडियो देखो, कंसेप्ट को जो है डिस्कस करो, इस पे बैठ जहां से भी आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले उनको प्रैक्टिस करो, और जो है अदर स्टडी मटेरियल से को अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि ये टॉपिक में आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे और रिप्लाई भी जरूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।